चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस देश को अगर आगे बढ़ाएगी जनता ही बढ़ाएगी, ना कोई नेता बढ़ाएगा ना कोई पॉलिटिक राजनीतिक बढ़ाएगी। तक जो चेयरमैन हुए हैं उनकी राजनीति बेहद गंदी रही। यहाँ का आदमी चाह सबसे पहले अमन भाईचारा। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का ये कस्बा बनत है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी प्रत्याशी सामने आ रहे हैं बनत में, मैं आपको बता दूं हम लोग यहाँ एक चाय की टपरी पर हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस बार निकाय चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या जनता के मुद्दे हैं और इस बार कस्बा बनत में किस उम्मीदवार को लोग चाह रहे हैं कि वो चेयरमैनी के पद पर आए। यही हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर लोगों में क्या हलचल बनी हुई है। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साजिद चौधरी। साजिद जी, अभी आपको पता ही होगा कि नगर निकाय चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। हम आज कस्बा बनत में हैं, कस्बा बनत में क्या हलचल है चुनाव को लेकर, किस तरह लोग सोच रहे हैं? बर्फ में लग रहा बिल्कुल, कस्बा बनत का चुनाव बर्फ में पड़ा, ठंडा है, हलचल नहीं है कोई। तो जो प्रत्याशी सामने आए हैं अभी तक कौन कौन, कस्बा बनत से कौन कौन अभी सामने आए? सामने लोकदल तो धर्मवीर आया और बीजेपी से एक बुली है सुभाष है, चलो जो भी है। तो पिछले जो पूर्व चेयरमैन है वो उनका क्या नाम है, वो उनका काम कैसा? चेयरमैन राजीव, काम कैसा रहा पिछले 5 सालों में? कैसा भी नहीं रहा। तो कभी ये जो नगर पालिका के जो काम होते हैं जैसे बिजली पानी सड़कें या कस्बे में ऐसी व्यवस्थाएं करना, साफ सफाई की व्यवस्थाएं रखना, इस तरह की कोई चीज़ें कस्बा बनत में हुई पिछले 5 सालों में? चेयरमैन अगर है सफाई कर्मचारी करें वही करते आ रहे बेचारे। व्यवस्था चेयरमैन तो अपनी कार में बैठ कर सिस्सा पर करके मजा लेता फिरा भाई, मजा है चेयरमैन का। यहाँ जो भी चेयरमैन हो जाए उसके चिड़ाई शुरू हो जा और वो फिर एंड लो चलती रहे पूरी योजना, काम कहीं जाओ। लेकिन चुनाव के वक्त तो, चुनाव के वक्त तो बहुत सारे वादे किए जा जनता से कि वादे तो वादा किसी ने पूरा करा नहीं। आपके नजरिए से किस तरह के काम कस्बे में होने चाहिए आगे भी जो चेयरमैन आएंगे? कस्बे में हम अपने यहाँ की बताते हैं, यहाँ काम नहीं चाहती यहाँ की जनता। हमारे है गाँव का आदमी, ये भी गाँव है, कस्बा 40 साल से बना हुआ लेकिन गाँव है। यहाँ का आदमी चाह सबसे पहले अमन भाईचारा, वो है। बाकी सड़कें रोड पानी ये तो सरकार की पॉलिसी है, उसके तहत बनते ही रहे, टूट जा बन जा, ये तो मर्जी इनकी, इनका ध्यान। आपका क्या नाम? मेरा नाम तो सुशील कुमार है जी। सुशील भाई, एक चीज़ बताइए कि पिछले 5 सालों में कस्बा बनत में ऐसे जनता के जो मुद्दे होते हैं जैसे सड़कें बिजली पानी, इस तरह की व्यवस्था हो पाई है कस्बा बनत में? ये व्यवस्था तो चलती हुई आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोटा आता है, इतना आता है कि इनमें सभी का पेट भर जा, जनता का भी पेट भर देंगे और अपना भी। तो मान लिया बिजली पानी तो गवर्नमेंट वो अलग विद्युत विभाग है, और रही बात टंकी वगैरह की पानी की, ये दे ही रहे, नहीं तो इन्हें जानते नहीं मार देंगे जनता, झाड़ू पाड़ू लगवा दें सुबह शाम गांव में, वैसे साफ सफाई तो करवा दें। रही बात कहीं खड़ौंजा पड़ौंजा टूट रहा, किसी के दिमाग में भी ध्यान पड़गा, किसी ने शिकायत कर दी तो उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत काम हो जा, नहीं तो पैसे का नहीं पता नहीं लग रहा जा कहाँ रहा। इस बार आप किस चेहरे को देख रहे हैं कि जनता का मूड किस चेहरा तरह तो बना? सभी नए चेहरे हैं, क्योंकि SC में आने के बाद में मतलब है सभी सब हल्के वर्ग में दे देना इन्होंने चेयरमैन नहीं, सब सभी के संपर्क है, सभी सोचते हैं बच दिए किसे जा, विचार विमर्श पर चलते। वैसे नया चेहरा आना चाहिए, बबली बेचारी झाड़ू लगावे, हाँ 15 साल तक लगाती आ रही और झाड़ू लगा रही थी, ये वो चेयरमैन की सीट पर होनी चाहिए। कम से कम अपना तो उद्धार अपना सुधार तो कर लेगी, वो गांव का तो ही रहा, तो बबली होनी चाहिए चेयरमैन।
आपका नाम? नाम जोगराज। क्या लग रहा है इस बार कस्बा बनत में जो चेयरमैन हो रहा है, आपको किस तरह से आप देख रहे हैं इस चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? भाई चुनाव तो यहाँ शांतिपूर्ण और यहाँ जो है आपसी संबंध की वोट पड़ती है, रहेगी पार्टी लेवल की बात। जैसे बीजेपी का सिंबल आ, सिंबल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, या लोकदल का सिंबल है, सिंबल का फर्क नहीं है। यहाँ तो व्यक्तिगत वोट है लोगों की, और जो काम होने चाहिए। अब तक जो चेयरमैन हुए हैं उनकी राजनीति बेहद गंदी रही। एक छोटे छोटे गांव में जैसे इंटर कॉलेज लड़कियों के बढ़ गए, छोटे छोटे गांव में, ये तो करीब 150 साल पुराना कस्बा, इसमें आज तक एक इंटर कॉलेज लड़कियों का नहीं बना। यहाँ की आबादी करीब यहाँ 55,000-60,000 की आबादी है। तो ऐसे नेता है हमारे आज तक जो किया है। अच्छा जी, 55,000-60,000 से कम नहीं है जनसंख्या यहाँ। 15,000 जो है नहीं, 15,000 की पोलिंग है यहाँ, वोट पोलिंग जो है। और कोई सुविधाएं पास? अच्छा, और सुविधा ये तो रस्ते वस्ते तो बनते ही रहे, जो भी आवेगा थोड़ा बहुत जो है ना उसे करना ही करना भाई, कहीं टूट गया तो होगा। और भी काम बहुत है, जैसे नगर में भाई कई तरह की चीजें होती है, स्वास्थ्य की भी सुविधा होती है। हाँ, एक दफे अस्पताल, एक दफे हॉस्पिटल के लिए आई थी योजना, इस ऐसे नेता है बढ़िया कि उसे जो है यहाँ से उठवा के और पुराने भिजवा देते, ये जो सामुदायिक हॉस्पिटल बना हुआ नहीं कि यहाँ बना था, मैं कहना यहाँ जगह ही नहीं है। हमारे हाथ में सत्ता है, ताकत है, तुम गलत कर रहे करो, भुगतोगे भी तुम ही, ये मानना है इस गाँव में, मैं थोड़ा ही भुगतूंगा। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी संसद में फूट फूट कर रो रहे थे एक दो मुकदमे, अरे भी योगी जी फू फा कर रखी उन्होंने, इसमें जितने लगवा दो, कल कोई और आवेगा। आने वाली जो विजा राजनीति है वो बदले की होगी, ये बदला अंत ले रहे और दलों पर, आने वालों को सिखा दिया वे डबल प्रहार करेंगे विकेन पे, तो भागने की जगह नहीं छोड़ने के। तो आप अगर ये कह रहे हैं तो फिर देश किस तरफ जाए? देश इनकी डब तक कहीं जाओ, देश गलत हाथों में जा लिया। जिन्होंने देश को बनाया था, जिन्होंने अपने खून दिया, अपनी जान दी, उनका तो नामो निशान है नहीं। और जो चाटुकार थे नहीं, उनके वंशज इबजा भाषण दें, वे नेता हो गए। तो आपको लगता है कि कभी शहीदों के जो परिवार थे वे राजनीति में नहीं रहे, ना उन्हें जनता ने ही स्वीकार करा, ना वे आए खुद, कुछ भी कहानी रही हो, अरब जो चोर चक्के थे मेरी राजनीति में बढ़ गए। चुनाव है आपके यहाँ, निकाय चुनाव है, किस तरह की सुविधा आप आने वाले चेयरमैन से चाहते हैं अपने यहाँ? हम तो वही सुविधा चाहिए जो पहली है, जो पश्चिमी सुविधा नहीं चाहिए हमें, हमें तो वही सुविधा चाहिए जो बनत में शुरू से बड़े छोटों की बनी हुई है। न यहाँ गुंडागर्दी का माहौल है, न यहाँ के इंसानियत का माहौल है। तो कई उम्मीदवार आ रहे हैं सामने लगातार, राजनीतिक पार्टियों से भी है, कुछ निर्दलीय भी है, आप बनत में कौन सा ऐसा चेहरा देख रहे हैं जो लगता है कि जनता के काम कर सकते हैं? जनता का तो काम आज तक मोदी योगी ने भी नहीं किया, जो किया 75-76 साल में कांग्रेस ने किया, जो दिया इस देश को कांग्रेस ने दिया, रेलवे सब कांग्रेस ने कर दिया, ना मोदी ना योगी कोई नहीं कुछ दे सकता इस देश को, इस देश की जनता ही देगी, इस देश को अगर आगे बढ़ाएगी जनता ही बढ़ाएगी, ना कोई नेता बढ़ाएगा, ना कोई पॉलिटिक राजनीतिक बढ़ाएगी, कोई नहीं बढ़ाएगा। तो बनत में जैसे कस्बा बनत है, चुनाव यहाँ किस तरह से रहता है? यहाँ तो आपस का भाईचारे का ही चुनाव है। चलिए, पूर्व चेयरमैन भी यहाँ रहे हैं, उनका काम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, 5 साल में ना किसी से अच्छे हैं ना किसी के बुरे हैं, बहुत ही अच्छे रहे। 25 साल की योजना में हर चेयरमैन अच्छा रहा, किसी ने ना किसी का कुछ बिगाड़ा, ना किसी का कुछ काम कराया, अपने योजना करी, अपना घर बैठो। आपके यहाँ 4 मई में चुनाव होने वाले हैं, उसकी क्या हालचाल है कस्बा बनत में? बस हलचल कुछ नहीं है, यही है भाई जो चल रहा है चल ही रहा है। ये जो आरक्षित सीट में सीट इस बार आई अनुसूचित जाति में, क्या लोग वोट करेंगे एक तरह से? उत्साह है, पूरा उत्साह है, वो चाहे ओबीसी में हो, चाहे सामान्य में हो, चाहे जनरल के में भी हो, यहाँ पे उत्साह होता है इलेक्शन का, वो चाहे किसी भी उसमें आ जाए। जी भाई, क्या नाम आपका?
दिनेश कुमार जी। दिनेश भाई क्या देख रहे हैं कस्बा निकाय चुनाव है बनत में? मैं तो ये देख रहा जी, चेयरमैन कोई भी बनो हमारे गांव में शांति बनी रहे, सच्चा मुझे हमें कुछ नहीं चाहता। हम कस्बा बनत में थे, कस्बा बनत में हमने एक चाय की टपरी पर लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है। लोगों का कहना है कि कस्बा बनत में पहले से भाईचारे से और शांति से चुनाव होते आए हैं और इस बार भी चुनाव की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी चुनाव को लेकर अभी उस तरह से हलचल कस्बा बनत में नहीं हो रही है। लोगों का ये कहना है, जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।